तो हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ फिर से आज एक नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग को बात करेंगे अब डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो आज हमने उसमें से आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ये द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, जो कि है गर्म और आर्द्र विषुवतीय जलवायु के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, इसका क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, उसका वेजिटेशन है वहाँ का, जो वेजिटेशन वहाँ का वेजिटेशन देखेंगे, और फैक्टर इफेक्टिंग द डेवलपमेंट, इस क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है उसके लिए इसका कौन कौन से कारण है जो उसको डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट और वेजिटेशन को देखते हैं। पहले वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है, जैसे कि हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्लाइमेट का जो ये क्लाइमेट जो है कैरेक्टरिस्टिक है, कंडीशन है ऑफ एटमोसफेयर नियर द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के आसपास जो एटमोसफेयर का जो कंडीशन है उसको हम लोग क्लाइमेट के मतलब एक एटमोसफेयर के आसपास का जो कंडीशन है उसको उसको बारे में बताया जाता है इसमें। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ द एरिया, किसी भी स्थान के एक लंबे समय का जो मौसम है, किसी भी एरिया का जो लंबे अंतराल समय अंतराल का जो मौसम है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। जैसे वो 30 साल के आसपास का औसत होता है जो क्लाइमेट के बाद, और जो है दिस इंक्लूड द रीजन जनरल पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन सीजन एंड वेदर एक्सट्रीम्स लाइक ह्यूरिकेन्स ड्राउट्स और रेनी पीरियड्स, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एन एरियाज क्लाइमेट आर टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन। किसी भी एरिया का जो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ के जो क्लाइमेट का जो को जो डिटरमाइन करता है वो है वहाँ का टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण और तापमान, तापमान और आर्द्रता जिसको कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्लाइमेट का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये सारा दिया हुआ हमारा इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट का ये रीजन है देख सकते हैं यहाँ पर, एक दूसरा है यहाँ पर है, फिर और एक ये है, उसके अलावा भी है सवाना है, मानसून, डेजर्ट क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ओशनिक क्लाइमेट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, अल्पाइन और पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट ये जो वाइट रीजन है जो पोलर रीजन में पाया जाता है, ये काफ़ी ठंडा होता है और हमेशा ठंडा ही रहता है ये। उसके इस रेड लाइन के जो ऊपर का जो हिस्सा है ये पोलर, सॉरी ये यहाँ का जो हिस्सा है ये पोलर क्लाइमेट है इधर का। तो ये जो हमारा सर्किल में आया ये था, ये हमारा हॉट और ह्यूमिड जो है कोई ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको, हॉट वेट और इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है। तो ये जो क्लाइमेट है इसका जो इस तरह का जो क्लाइमेट है इसका जो विस्तार देखा जाता है, इसमें यदि देखें इसका विस्तार, तो ये है इक्वेटोरियल हॉट क्लाइमेट। इसका ये 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, हमेशा मैप के जो है मैप पर यदि देखें तो 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में इसको इसको देखा जाता है। द अमेजोन बेसिन इसमें कौन कौन सा है, अमेजोन बेसिन साउथ अमेरिका का, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये 5 रीजन है इसके, ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जिसमें सबसे दो बड़ा बड़ा है ये कॉन्गो बेसिन और अमेजोन बेसिन, बाकी ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह ये सब ये छोटे छोटे हैं। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट मैप में इसको देखेंगे। चलिए पहले इसको एक बात देख लेते हैं, ये रहा हमारा अमेजन बेसिन, ये है कॉन्गो बेसिन, और ये साउथ ईस्ट एशिया जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह का रीजन ये क्षेत्र आता है इसका। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ क्या होता है कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है कि यहाँ का जो टेम्परेचर में काफ़ी एक यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है, काफ़ी यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है यहाँ पर, तापमान में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जाता। यहाँ पर 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर एक डेली टेम्परेचर पाया जाता है, और यहाँ जो जो एनुअल रेंज टेम्परेचर का वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता यहाँ टेम्परेचर में। फेयरली ग्रेटर, ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से जो इसका मैक्सिमम जो मिनिमम टेम्परेचर है 12 से 15 डिग्री के बीच रहता है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 26 से 28 डिग्री, यानी कि आपसे देख सकते हैं इसका मैक्सिमम ही 3 डिग्री का डिफरेंस है इसमें। क्लाउडनेस है, हैवी प्रिसिपिटेशन है, और 150 से 250 सेंटीमीटर के आसपास का यहाँ रेनफॉल होता है एक साल में।
हेल्प्स टू मॉडरेट द टेम्परेचर सो दैट इवन एट द इक्वेटर क्लाइमेट इज नॉट अनबियरेबल। यहाँ की देखिए, यहाँ पर इक्वेटर के पास भी साल के मैक्सिमम समय में सीधी सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद और तापमान अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर जो तापमान में है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो असहनीय नहीं है। इसका कारण है कि असहनीय न होने का कारण यह है कि यहाँ पर ये इसका जो बारिश और यहाँ का वनों की सघनता। देर इज नो मंथ विदाउट रेन, यहाँ कोई भी ऐसा महीना नहीं होता साल भर में जब यहाँ बारिश ना हो। मोस्ट ऑफ रेनफॉल इज कन्वेंशनल विथ थंडरस्ट्रॉम, यहाँ जो मैक्सिमम अधिकतम संभवनीय वर्षा होती है तड़ित के साथ यानी कि बिजली चमकने के साथ, कभी कभी ये टॉरेंशियल शावर भी हो जाता है। द कन्वेक्शनल अपलिफ्ट इज रिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ द ITC जेट डबल व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड द स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्स। जब स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्स होता है तब यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। इक्विनॉक्स को जैसे हिंदी में विषु बोलते हैं, तो यानी कि ये मार्च और सितंबर का जो टाइम होता है, इस समय में ये जो मौसम है जब उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी बहुत गर्मी नहीं होती, यानी कि सूर्य जब की स्थिति जब विषुवत रेखा के आसपास होती है तब इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश देखी जाती है। यहाँ पर ये मार्च और सितंबर का टाइम होता है, जबकि जून और दिसंबर में यहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, कम मतलब अपने अपने हिसाब से रेस्पेक्टिवली कम बारिश होती है। तो ये था, इसको इसको देख सकते हैं आप यहाँ। बिसाइड द कन्वेक्शनल रेनफॉल माउंटेन, वहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल के अलावा कभी कभार पर्वतीय वर्षा भी देखने को मिलती है। कारण है कि जब पहाड़ी है या इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पर वो का, और यहाँ पर भी कुछ है इस रीजन में पहाड़ियों का वो स्थिति है, तो यहाँ वही पर्वतीय वर्षा होगी। इन एडिशन देर आर सम इंटर शावर साइक्लोनिक एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, यहाँ पर ITCZ जो आगे पीछे खिसकता है, क्योंकि आप जैसे देख जानते हैं कि यहाँ पर जो ITCZ जो है ये इधर तक खिसक जाता है, ऐसे में इक्वेटोरियल जोन में यहाँ पर कभी कभार एक साइक्लोनिक रेनफॉल भी हो जाता है। क्यों इसके सॉरी ये जो रीजन है यहाँ पर इस रीजन में एक साइक्लोनिक रेनफॉल भी हो जाता है, इसका कारण यह होता है कि ITCZ का ऊपर या नीचे खिसकना, उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकना, जिसके कारण अलग अलग तरह का दो हवाएं आपस में मिलती हैं और साइक्लोन्स का अलग अलग तरह के एयर मास कंजर्वेंस होता है, कन्वर्जेंस होता है और वहाँ पर एक साइक्लोन जैसी स्थिति बन जाती है। अब देखिए, जब यहाँ का वेजिटेशन पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन जो वर्ल्ड का है, तो इसको वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन को तीन भागों में बांट सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड, और डेजर्ट में ट्रॉपिकल डेजर्ट और टुंड्रा डेजर्ट, यानी कि एक गर्म डेजर्ट होता है और दूसरा ठंडा होता है, ठंडा मरुस्थल। तो इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं इसका वेजिटेशन, इसके वेजिटेशन इन इक्वेटोरियल रीजन्स। तो द ईयर अराउंड हाई टेम्परेचर एंड अबंडेंट रेन, जब यहाँ पर सालों भर एक हाई टेम्परेचर और वर्षा होती रहती है, ये सब जो है यहाँ के यहाँ का जो वनस्पति को है, वनस्पति जीवन को, जंगलों जंगल को जो है काफ़ी समृद्ध बनाता है, ये यहाँ समृद्ध ये इसके समृद्ध बनाता है। ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ये काफ़ी इसको समृद्ध बनाता है इसके इस मामले वेजिटेशन में, यानी कि वनस्पति के मामलों में। इन अमेजोन लोलैंड्स द फॉरेस्ट इज सो डेंस एक्स्ट्रावेगेंस एज ए स्पेशल टर्म, इसके लिए एक स्पेशल टर्म सेलवास यूज किया जाता है। अमेजोन बेसिन के जो जंगल है उनके लिए स्पेशल टर्म कौन सा यूज किया था, सेलवा या सेलवास। काफ़ी सघन जंगल होते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अनलाइक द टेम्परेट रीजन द ग्रोविंग द सीजन एयर इज ऑल ऑफ द एयर अराउंड, बाकी दूसरे टेम्परेट या फिर अदर क्लाइमेट की तरह यहाँ पर जो ग्रो करने का टाइम नहीं होता, यहाँ पर सालों भर ग्रो करने का टाइम होता है सालों। अब एक ही जगह पर आप देख सकते हैं कि किसी पेड़ में फूल आ रहा तो दूसरे में फल आ रहा, कोई दूसरा पौधा पैदा हो रहा है, और इस तरह जैसे सीडिंग फ्लावरिंग फ्रूटिंग डिकेइंग इज नॉट टेकन प्लेस इन सीजनल पैटर्न, सो ट्रीज में फ्लावरिंग वाइल अदर्स यार्ड्स वे मे बी बियरिंग फ्रूट्स। वही होता है जैसे मैंने बात कर चुके इसके बारे में
कोई कहीं फूल दिख रहा है तो कहीं फल आ चुका है। देर आर नाइदर ड्राउट और कोल्ड, यहाँ ना सूखा है ना सर्दी है जो कि पौधों को ग्रोथ को रोक सके। अनलाइक द टेम्परेचर एंड फॉरेस्ट, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स कैन बी फाउंड ग्रोविंग इन रिलेटिवली स्मॉल एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट जो है एक जैव विविधता की दृष्टि से भी काफ़ी समृद्ध होता है। आप यह एक छोटे से क्षेत्र में आप बहुत तरह की वनस्पति और पेड़ पौधों को एक साथ उगते देख सकते हैं। रेन फॉरेस्ट कवर्स ओनली द 6% ऑफ, एक्चुअली अगर देखा जाए पूरी पृथ्वी का जो टोटल एरिया है उसका केवल 6% हिस्सा ही रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है, और जबकि ये जो टोटल ऑक्सीजन का 40% देता है और जो टोटल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में पूरे प्लैनेट पर उसका आधा और 40% ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी, और या फिर ये जो वेजिटेशन, ये जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं या फिर जो रेन फॉरेस्ट है इसकी क्या महत्ता है हमारे लिए, हमारे प्लैनेट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका बनावट कुछ ऐसी होती है, एक कई लेयर्स में होता है, नीचे झाड़ियाँ होती है, उसके ऊपर एक छोटे पेड़ होते हैं जो जिनकी कैनोपी, जिनका जो वितान है कैनोपी है उस ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता, कम होता है। उसके ऊपर फिर बड़ा पेड़ होता है, ये बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसका कैनोपी बहुत दूर तक फैलता है, ये 50-60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 50 से 100 मीटर तक हो सकती है। जैसे बरगद वगैरह जैसे जो पेड़ हैं, बरगद पीपल इस तरह के पेड़ होते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है ये निचले कभी कभी कॉफ़ी कोकोआ जैसे पेड़ का पेड़ भी उगते हैं इस क्षेत्रों में, रबर कॉफ़ी कोकोआ। तो इक्वेटोरियल वेजिटेशन जो है इट, इसी में आगे देखते हैं इसको हम लोग। इक्वेटोरियल वेजिटेशन कंपेयर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरग्रीन ट्रीज ये द ट्रॉपिकल हार्डवुड, यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल हार्डवुड्स पाए वाले का बहुत तरह के जो सख्त लकड़ी इमारती लकड़ियाँ हैं यहाँ पर मिलती हैं, जैसे कि महोगनी है, एबोनी, ग्रीन हार्ट, कैबिनेट वुड्स, डाई वुड्स, ये इस तरह की जो वैरायटी यहाँ पाई जाती है। दीज आर स्मॉल, यहाँ पर छोटे छोटे पाम ट्रीज भी पाए जाते हैं। क्लाइंबिंग प्लांट्स लाइक लैनास इपिथाइटिक एंड पैरासाइटिक प्लांट्स लिव इन वन अदर प्लांट्स, यहाँ पर इपिथाइटिक और ये पैरासाइटिक प्लांट्स भी बहुत पाए जाते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि किसी एक प्लांट पर, जैसे अंजीर, कुछ अंजीर की एक वैरायटी पाई जाती है जो किसी पेड़ पर ऊपर से उगता है, और यानी कह सकते हैं कि वो जहाँ किसी पक्षी के बीट के बीट से पेड़ के ऊपर किसी टहनी पर बीट कर देने की वजह से वहाँ ऊपर पत्तों पर उगता है, और वहाँ से उसकी जड़ें धीरे धीरे नीचे आती हैं और वो ज़मीन से पकड़ कर और वो पूरा एक पेड़ बन जाता है, और धीरे धीरे फिर जिस पेड़ पर वो पैदा होता है उसे मार देता है। अंडर द ट्रीज ग्रो वाइड द वैरायटी ऑफ द फर्न, यहाँ पर बहुत तरह के फर्न भी उगते हैं जैसे कि है ऑर्चिड्स और ललांग्स। देर आर सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन इन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर अलग अलग तरह का रेन फॉरेस्ट है स्ट्रगलिंग टू मूव अपवर्ड टू गेट सनलाइट, यहाँ पर सूरज की रोशनी के लिए पेड़ों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा होती है, इसलिए यहाँ के पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं, ताकि वो मतलब कहीं कहीं ये जो रेन फॉरेस्ट इतने घने होते हैं खासकर अमेजोन बेसिन में कि वहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पहुँचती, बिल्कुल अंधेरा छाया होता है जमीन, वहाँ दिन और रात का पता भी नहीं चल पाता। द नेक्स्ट लेयर इज नॉन एज द कैनोपी विथ एन एवरेज हाइट, सबसे पहले नीचे था कि नहीं छोटे छोटे जो प्लांट हैं वो उसके बाद है एवरेज हाइट, इसके 20 से 40 मीटर की हाइट वाले कैनोपी हैं, एवरेज हाइट ऑफ अबाउट इतना छोटे कैनोपी वाले। द क्राउन्स ऑफ द ट्रीज इन देयर लेयर्स इज टाइटली पैक्ड टुगेदर फॉर्मिंग द नियरली अनब्रोकन कवर ऑफ द फॉरेस्ट फ्लोर, जैसे इसमें अभी बात कर चुके हैं इसके बारे में, बिल्कुल कवर कर देता, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच नहीं पाता। इफ़ यू आर लुकिंग डाउन टू अ सेक्शन ऑफ द रेन फॉरेस्ट फ्रॉम अबव यू वुड नॉट बी एबल टू सी द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द कवर प्रोवाइडेड बाई द कैनोपी वेरी लिटिल सनलाइट रीचेस लोअर लेयर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट। बिलो द कैनोपी अनदर लेयर नोन एज द अंडर स्टोरी विद द ओनली फ्यू मीटर्स हाई, उसके लिए मतलब ये कई जिसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं, इसको कई लेयर में एक पेड़ होते हैं, इसको उसके एक इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सबसे बड़ा ऊपर ले क्राउन है इसका, उसके नीचे एक छोटा कैनोपी वाला पेड़ है, उसके नीचे और ये सब रबड़ वगैरह जो छोटे मोटे पेड़ होते हैं, कोकोवा, रबड़, कॉफ़ी वगैरह ये सब। तो अब देखते हैं और फिर इसी में आगे देखते हैं,
अंडर स्टोरी एंड द फॉरेस्ट फ्लोर लेस द सर्ब ले, उसके नीचे एक सर्ब झाड़ियों का एक लेयर होता है। ओनली अबाउट 1 or 2% ऑफ, यहाँ पर जो केवल 1 से 2% जो इस क्षेत्र को सनलाइट मिलता है उसका 1 से 2% ही यहाँ का जो जमीन तक यहाँ पहुँच पाता है। तो इसके इसके इसकी वजह से होता क्या है, ओनली फ्यू प्लांट्स आर एबल टू थ्राइव देयर विच मस्ट बी एबल टू टॉलरेट द लो, नीचे में निचले क्षेत्र में वही पौधे सर्वाइव कर पाते हैं जो कि जो लो लाइट को टॉलरेट कर सकते हैं, जो कि कम रोशनी में पनप सकते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट द देयर ग्रेट हाइट मैनी मैनी ट्रीज हैव बटरेस रूट ऑल्सो कॉल्ड प्लैंक, एक चिकना एक इनका एक जड़ें होती, चिकनी जड़ें होती विथ एक्सटेंड अबव ग्राउंड, एंड ये इसके यहाँ पर वैरायटी है, चिकनी जड़ों के साथ अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। सम प्लांट्स इन द लोअर लेयर ऑफ द पेरेंट फॉरेस्ट हैव द वेरी लार्ज लेविसन ऑर्डर टू मेक इफिशियंट यूज ऑफ लिटिल सनलाइट विच रीचेस देम, कुछ प्लांट है जो कि इसके लिए सर्वाइव कर सकते हैं नीचे। तो ये देख सकते हैं कुछ पैरासाइटिक एपिफाइट है, स्ट्रेंगलर फिग है, एक फिग है अंजीर की वैरायटी जो कि ऊपर से एक पेड़ पर उग गया है और नीचे जमीन तक ये इसका देख सकते हैं ये जड़ों में आ रहा है, और ये कुछ पैरासाइट है एपिफाइट जिसको बोलते हैं, और कुछ इसमें आगे देख सकते हैं इसके कुछ प्लांट्स हैं जैसे प्लांट्स नोन एज लाइनास वाइन्स आर रूटेड द सॉयल। तो ये एक लाइनास है जो कि विच आर रूटेड इन द सॉयल एंड ग्रो द ऑफ द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज एंड द वे वी कैनोपी वेयर द लीव्स कैन गेट मोर सनलाइट, और होता क्या कि वो पेड़ के तनों के साथ ऊपर बढ़ता है और धीरे धीरे ऊपर तक पहुँच जा उस पेड़ के कैनोपी तक, उसके जो वितान है वहाँ तक पहुँच जाते हैं उसके पेड़ों तक, और फिर ये ताकि अधिक से अधिक सूरज की रोशनी प्राप्त कर सके। सम प्लांट्स नोन एज एपिफाइट्स ग्रो ऑन ट्रीज ट्रीज ऑन देयर रूट्स आर नॉट ऑन द सॉयल, जैसे इसके बारे में एक फिग के बारे में बताया ऊपर से पैदा होता है, नहीं फिग तो नीचे ही पैदा होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है सपोर्ट के लिए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ऊपर ही पत्तों पर पैदा होते हैं और वो उसकी जड़ें धीरे धीरे जमीन तक आती हैं। दे डू नॉट हार्म द ट्रीज एंड दे नॉट गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, दे ओनली यूज द ट्रीज फॉर फिजिकल सपोर्ट, बिकॉज देर आर अदर प्लांट्स आर पैरासाइट, पैरासाइट तरह के अलग अलग प्लांट्स हैं जो उगते हैं उसी से सब कुछ लेते हैं, उसी को डैमेज करते हैं। देर आर द अदर प्लांट्स नोन एज स्ट्रैंगलर फिक्स, स्ट्रैंगलर फिक्स के बारे में बताया, दे स्टार्ट आउट द ग्रोविंग ऑन द ट्री ऑन होस्ट ट्री देन दे ग्रो लॉन्ग रूट डाउन टू द ट्रंक द ट्री इन टू द सॉयल, ये धीरे धीरे जमीन तक पहुँचते हैं, ये स्ट्रैंगलर फिक्स के बारे में ही था, धीरे धीरे जमीन पर पहुँचते हैं उस पेड़ को जो होस्ट ट्री था उसे ही घोस्ट बना देते हैं, यानी कि उसको मार देते हैं, वो धीरे मरने पर मजबूर कर देते हैं वो, ये था इसका। लाइफ एंड डेवलपमेंट इन इक्वेटोरियल, तो चलिए अब हम बात देखते हैं कि यहाँ पर लाइफ और डेवलपमेंट का क्या कंडीशन है इस रीजन में। तो ये जो रीजन है ये जनरली यहाँ पर जो काफ़ी आंशिक रूप से मतलब एक काफ़ी विरल जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ जो कृषि का पद्धति अपनाई जाती है वो एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, और ये यहाँ पर बहुत यही मेजर कल्टिवेशन है यहाँ का। कारण है कि यहाँ पर लोग एक जगह पर ज़्यादा दिन तक बस नहीं सकते, शिफ्टिंग आदिवासी लोग यहाँ पर ट्राइबल ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहती है। मेजर क्रॉप्स बींग द यहाँ का जो मेजर क्रॉप्स है वो है मैनियोक याम्स मेज बनानास एंड राउंडनट्स। मैनियोक का क्या है इसको एक बार देख लें आप लोग कहीं भी, मैनियोक और याम्स यानी आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो कि कुछ कंदमूल हैं, और मक्का चावल ये केला और ग्राउंडनट्स मूँगफली वगैरह। यहाँ फल फूल भी जंगलों में काफ़ी मात्रा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वो पशु पक्षी और फल फूलों के रूप में। यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत तरह के हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं जैसे कि यह है रबर है, कोकोआ है, पाम ऑयल्स, कोकोनट, शुगर कैन, कॉफ़ी, टी वगैरह होम कंट्री। और ये जो रबर का जो गृह प्रदेश है जो कि जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है वो है ब्राज़ील, लेकिन आज जो वो कॉमर्शियली वहाँ पर नहीं उगाया जा सकता इसके कारण है। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट आज के तौर में देखा जाए तो मलेशिया और इंडोनेशिया है जो कि रबर को लीड कर रहा है रबर प्रोडक्शन को। कोकोवा जो है वेस्ट उत्तरी या फिर मतलब पश्चिमी अफ्रीका के दो देश जो है घाना और
घाना और नाइजीरिया में इसको उगाया जाता है। फ्रॉम द सेम एरिया अनदर क्रॉप पाम ऑयल, यहाँ पे पाम ऑयल की भी खेती की जाती है यहाँ पर। अंडर द कंडीशन द एक्सेसिव हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पर है कि यहाँ पर मतलब ये ह्यूमिडिटी और हाई हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से लोग फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड यहाँ पाए जाते हैं, तो लाइफ यहाँ पर काफ़ी कठिन है। और यहाँ पर सन स्ट्रोक, मलेरिया, येलो फीवर जैसी बीमारियाँ नॉर्मल देखी जा सकती है। द हॉट वेट क्लाइमेट स्टिमुलेट द रैपिड प्लांट ग्रोथ, ऑल्सो इनकरेज द स्प्रेड इन पेस्ट एंड इंसेक्ट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पेड़ पौधों में काफ़ी रैपिड ग्रोथ मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भी, पेस्ट और इंसेक्ट भी फैलने में काफ़ी सहायक होता है। जर्म है बैक्टीरिया, ये सब भी काफ़ी तेज़ी से मॉइस्ट एयर में, नम हवा में काफ़ी तेज़ी से फैलता है, और ये इंसानों और पेड़ पौधों के लिए वो हानिकारक है। ये सारे यहाँ के जो आप देख सकते हैं यहाँ को, इसको जो डेवलपमेंट में जो रुकावट है, यहाँ के विकास में जो सबसे बड़े बाधक चीज़ें हैं, ये सारी हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो हार्डवुड और एंड लाइव स्टॉक, यहाँ पर एक पशुधन और दूसरा एक हार्डवुड यहाँ पर खेती की जाती है, जो कि जो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल फार्मिंग हो सकता है वो है हार्डवुड का। जंगल एक जो है यहाँ का, एक यहाँ पर एक काफ़ी इमारती लकड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे कि बताए थे इसमें इबोनी वगैरह है, इबोनी है, महोगनी है। जंगल इज सो लग्जरियंट, इट इज़ क्वाइट प्रॉब्लम टू क्लियर स्मॉल पैचेस, इट इज़ इवन टू डिफिकल्ट एंड मेंटेन इट, यहाँ तो बहुत कुछ है लेकिन बस इसको यहाँ पर उसको बनाना और उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। रोड और रेलवे यदि बना भी दिया जाए तो फिर उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत बारिश भी, बहुत तेज़ बारिश भी होती है, सालों भर बारिश होती है। जंगल भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, जंगली जानवर भी होंगे वहाँ पर, और फिर ऐसे में इसको मेंटेन करना थोड़ा टफ हो जाता है। वंस दे आर कंप्लीटेड दे हैव हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, वहाँ पर सांप जानवर बनाने में ही सांप जानवर कीड़े मकोड़ों का खतरा है, और फिर यदि ये सब एक बार बन भी गया तो फिर वो मेंटेनेंस का कॉस्ट है। देयर फॉर मेनी रिमोट पार्ट्स ऑफ अमेजन बेसिन एंड कॉन्गो और विदाउट द मॉडर्न कम्युनिकेशन विद रिवर्स ओनली, वो मतलब नेचुरल हाईवे जो कि नदियों की तरह को ही नेचुरल हाईवे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो कोई भी मॉडर्न कम्युनिकेशन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है अमेजन बेसिन और कॉन्गो बेसिन में। वैसे भी ब्राज़ील और अफ्रीका का ये जो DRC है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। थ्रू द ट्रॉपिक्स हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ टिम्बर रिसोर्सेज, यहाँ पर जो ताऊ जो है, यहाँ पर जो है ट्रॉपिक मतलब जो है यहाँ पर लकड़ी का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो सकता है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है, इसका जो एक्सट्रैक्शन है वो संभव नहीं है, बहुत ही महंगा है। कारण होता है कि एक ही क्षेत्र में बहुत अलग विभिन्न प्रकार की अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यदि आप रेडवुड की बात करें, यहाँ एक रेडवुड है तो यहाँ पर कोई और दूसरा है, फिर यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ कुछ और है, फिर यहाँ कुछ और, अगला रेडवुड आपको यहाँ पर मिल सकता है, फिर यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, यानी ये काफ़ी मतलब डिस्पर्स्ड है, फैले हुए इधर से उधर। ऐसे में इनका कॉमर्शियल वो जो फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग यह संभव नहीं है, लॉगिंग यह संभव नहीं है। और नदियों और जो ज़मीन है ये दलदली वाला है, और नदियों का भी, और ये लकड़ियाँ इतनी इतनी भारी होती हैं कि इसे आसानी से नदियों में बहाकर नहीं लाया जा सकता। और दूसरा है लाइव स्टॉक फार्मिंग, ये भी बहुत ही अविकसित है, इसको हैंडीकैप बाय द एब्सेंस ऑफ द मीडोग्रास जो कि उस तरह के घास नहीं पाए जाते जो कि पशुओं को सपोर्ट करें। यहाँ पर बैल और भैंस वगैरह पाई, गाय बैल या भैंसें पाली जाती हैं मीट और दूध के लिए वगैरह, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उसके, सॉरी टेम्परेट नहीं, वो उसका जो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड है उसके आसपास। तो ये था आज का हमारा इतना अब तक का एपिसोड, इसको आप पढ़ लीजिए पूरा एक, इसको इसमें यदि कोई दिक्कत हो, कहीं किसी तरह का कोई समस्या हो तो बताइए, पूछिए, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइए। कुछ कमी तो होगी ही कमी, और होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान तो अवगुणों का एक पुतला मात्र होता है। तो हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ जो भी हो सके कीजिए, लेकिन हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।